अरबों रुपया प्रचार में खर्च कर रहे हैं। स्वास्थ्य के अब बात करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पहले पॉली क्लिनिक्स थे उनको बना दिया इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, वो भी देखिए जर्जर स्थिति में। दो चार जो इन्होंने ठीक भी किए, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं है, बाहर से खरीदनी पड़ती, और वह प्राथमिक सेवा केंद्र। प्राथमिक सेवा केंद्र के अंदर आप सर्दी जुकाम दस्त इस प्रकार की समस्याएं होती, लेकिन जहाँ शल्य चिकित्सा है, जहाँ पर आपको सर्जरी की जरूरत है, उसके लिए तो आपको बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। अब वो LNJP ये बंद कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में क्यों भेज रहे हैं? प्राइवेट अस्पताल में जो खर्चा हो रहा है, यदि वही पैसा आप इस्तेमाल करें और इक्विपमेंट खरीदें अपने सरकारी अस्पतालों में, तो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है इन लोगों को। और जो दिल्ली सरकार इतनी ज़्यादा बड़े बड़े बातें फेंक रही है, वो सब ठुस साबित हो रही है। तो यह स्वतः स्पष्ट है कि केवल प्रचार के माध्यम से कर रहे हैं। डेंगू के केस 1300 केस अभी तक पता लगे। कल ही ईस्ट किदवई नगर में सरकारी कॉलोनी के अंदर एक बच्ची थी जो कॉलेज जाती थी, 17 साल की लड़की थी, उसके कल मौत हुई है। तो यह केवल ढकोसला करते हैं और उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करते अरविंद केजरीवाल। प्रचार में पैसा बर्बाद करना, वो भी पब्लिक का, और पब्लिक को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं देना, केवल बड़ी बड़ी बातें, हवाई किले बनाना और उसके अलावा कुछ नहीं।